आइए दोस्तों, कुल नमस्कार। अडल्फ यूट्यूब चैनल में आप लोग को फिर से स्वागत है। आज मैं ऐसा जगह आया हूँ जिस जगह की क्या सामान बहुत फेमस है। ये है बोडोलैंड की बक्सा डिस्ट्रिक्ट की दुमनी बागान की चाय बागान है। उसको मैं आप लोग को दिखाने के लिए आया हूँ। आप लोग बहुत बढ़िया से देखिएगा चाय बागान कैसा है। और अभी बारिश का सीजन है तो चाय बागान बहुत हरा भरा होके रहा है। आप लोग बहुत बढ़िया से देखिएगा, मैं आप लोग को दिखाऊंगा। आप लोग स्टेप बाय स्टेप बहुत बढ़िया से देखते जाइए, मैं आप लोग को स्टेप बाय स्टेप दिखा के चाहूँगा। चलो देखता हूँ आप लोग को दुमनी बागान की क्या चाय बागान को, चलो देखता हूँ आप लोग को, लेट्स गो। ना बढ़िया से डीजे लोग नहीं आए ना। अरे तरफ से ये देखिएगा कितना ज़्यादा भीड़ लगा हुआ है ना। अच्छा ब्रेकर थोड़ा रास्ता की वजह से ही हो रहा है, इतना भीड़ आदमी है। वाह क्या हो रहा है, इतना बढ़िया सीनारी है। देखो एक तरफ से चुपचाप है कि सीनारी तो बहुत अच्छा लगा। ये इतना भीड़ लगा हुआ है, थोड़ी थोड़ी अच्छा लगा, थोड़ा स्पीड जाने देखिएगा। अभी जाना थोड़ा ब्रेकर थोड़ा ये हो गया, थोड़ा रास्ता तो साइड से जाना पड़ेगा। अभी देखता कितना बढ़िया से दीदी लोग ने काम किया है। देखिए दीदी लोग ने कितना बढ़िया से ये कर रहा है, देखिए। अभी हम फिर अंदर की तरफ आ गया है। रास्ता तो बहुत खतरनाक है, साइड कितना तो सकता है, इतना तो होता है। बोलो देखिए कितना अच्छा लगा ये। चाय बागान के बीचों बीच आया है। अभी का टाइम में कितना ग्रीन है देखिएगा, वाह कितना अच्छा लगता है। मतलब अभी का टाइम में चाय का जो पत्तिया है ना, बारिश की वजह से सब कुछ ग्रीन ग्रीन हुआ है। ये देखिए इस साइड में देखिएगा, ये मेरा बीबी है और इसमें मेरा बच्चा भी है। देखो ये देख, तीनों भी हम लोग क्या थोड़ा घूमने के लिए आया है चाय के बागान के बीच में। कितना अच्छा है, हर जगह में ग्रीन ग्रीन चाय का पत्तिया। आप लोग कैसा लगा है? ये है बोडोलैंड की में स्थित बहुत बढ़िया सा दुमनी का ये है चाय का बागान है, बहुत बड़ा बागान है। उसको देख के आप लोग बहुत अच्छा लगेगा दिल को। आप लोग देखना चाहो आदमी चाय का बागान नहीं देखा है वो देखिए। ये है दुमनी में स्थित चाय की बागान है। वाह सब कुछ ग्रीन ग्रीन है। चलता हूँ थोड़ा, रास्ता थोड़ा ये हो गया है। ये कैसा है आप लोग कमेंट कीजिए। देखा तो ये चाय की बगान है। काम खत्म हो गया, दीदी लोग अभी जाना शुरू कर दिए घर पे।